ये वो रास्ता है, और रास्ता के साथ साथ इधर करना थोड़ा सा जैन, ये जो दिखा रहा हूँ मैं, ये रुचि, ये निशा, ये जो ये लोग आप लोग लिखते हैं आई लव यू, ये लोग पढ़ने वाली नहीं है जल्दी, तो इसकी वजह से हमारी जो हिस्टोरिकल प्रॉपर्टी है उसको ख़राब मत करिए। तो आपसे गुजारिश है, तो ये लोग नहीं पढ़ने वाली हैं दीवार पर लिखने से। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू बंदे का व्लॉग्स। तो आज ये बंदा आपको लेकर आ गया है चुनार का किला, जो कि चुनार में ही स्थित है। और ये जो किला है ये बिल्कुल गंगा नदी के किनारे पे ही बना हुआ है। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ चुनार का किला, अंदर से पूरा विस्तार में बताने वाला हूँ। तो हमारे साथ जुड़े रहना और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, और अगर वीडियो पसंद आएगा तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तो चलिए मिलते हैं चुनार के। तो ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो, ये 1784 में बनाया गया था वारेन हेस्टिंग, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे। जब उनको वाराणसी बुलाया गया तो वहाँ पे वो चेत सिंह जो मान मंदिर है वहाँ से रहने से मना कर दिया था। तो उसके बाद उनका जो निवास स्थान था वो चिनार के किले में बनाया गया। तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए ही बनाया गया था, वारेन हेस्टिंग के लिए। और प्रेजेंट टाइम में ये जो है ये एक म्यूजियम की तरह बन गया है। और आप जरा सा थोड़ा सा इस म्यूजियम से हट के गंगा नदी के सामने की तरफ आइए, तो आपको मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाला हूँ। ये सामने आप देख रहे हैं वो प्रॉपर्टी, नीचे की तरफ ये जो प्रॉपर्टी है, ये मुग़ल जब इस किले पे आक्रमण करके आए तो उन्होंने इसको बनवाया था, जो यहाँ पे कैदी होते थे उनको फांसी देने के लिए बनवाया था 15वीं-16वीं शताब्दी में। और ऐसा कहा जाता था कि राजा यहाँ फ्रंट जो आप मेरे हाथ देख रहे हैं यहाँ सीट पे बैठता था, और उसके बाद वो अपने थंब का यूज करता था। जैसे ही थंब डाउन कर दिया जाता था तो वहाँ फांसी देने वाला जो बंदा होता था वो कैदी को फांसी लगा देता था। और उसकी जब डेथ हो जाती थी तो उसको दोस्तों गंगा नदी में फेंक दिया जाता था, उसकी डेड बॉडी। तो ये हैंगिंग प्लेस है जहाँ पर राजाओं द्वारा कैदियों को फांसी दिया जाता था। तो आप ये जो देख रहे हैं पूरा चुनार, ये एक पर्वत पे बना है जिसको आद्री पर्वत बोला जाता है। और इस पूरे चुनार का जो शेप है पूरे एक पैर के पंजे के समान है। तो इसको प्राचीन काल में पुराणों में इसको चरणाद्री कहा जाता था। ऐसा बोला जाता था कि जो 52 अवतार है भगवान विष्णु के, तो उन्होंने क्या किया, राजा बलि से कुछ वचन मांगे कि मुझे 3 पग ज़मीन चाहिए। तो राजा ने उनको कहा कि मैं दूंगा। तो उन्होंने सबसे पहला जो चरण रखा नापने के लिए वो आद्री हिल था। तो यहीं पे भगवान विष्णु ने अपना पहला चरण रखा था, और जिसके कारण इसको चरणाद्री भी बोला जाता है। चरण मतलब फीट, जो पैर का आकार होता है, और आद्री मतलब इस पूरे माउंटेन को आप जो देख रहे हैं इसको आद्री माउंटेन कहा था। तो इस प्रकार यह चरणाद्री ही बन गया। और दोस्तों हमारे पीछे ये जो नदी आप देख रहे हैं ये गंगा नदी ही है, और यहीं से गंगा उत्तर दिशा की ओर बही है। अगर ये हिल ना होता तो ये मिर्जापुर से आगे हुए दूसरे डायरेक्शन में निकल जाती। तो जिसके कारण इसी फोर्ट, आप कह सकते इसी किला के कारण गंगा ने अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया और वाराणसी की ओर प्रस्थान की, जिसके कारण गंगा का एक और नाम है जिसको हम लोग उत्तर वाहिनी बोलते हैं, यानी उत्तर दिशा की ओर बहना। तो गाइज, ये जो किला आप देख रहे हैं ये राजा विक्रमादित्य के द्वारा बनाया गया था। और इसकी कहानी ये है कि राजा विक्रमादित्य के एक भाई थे जिनका नाम था भृतहरि। उन्होंने संन्यास जीवन जीने का फैसला किया, तो वो वहाँ से उज्जैन से आद्री हिल के पास पहुँचे, और यहाँ पर उन्होंने संन्यास जीवन का आसन यहाँ पे तप करने लगे। लेकिन विक्रमादित्य को जब ये पता चला कि ये जो माउंटेन है बहुत ही जानवरों से भरा है, तो उनकी रक्षा के लिए 56वीं शताब्दी में उन्होंने एक किले का निर्माण कराया था वो अपने भाई के लिए। तो ये जो किला बनाया गया 56वीं शताब्दी में राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई के प्रोटेक्शन के लिए ही बनवाया था। आप चारों तरफ इसकी देख सकते हैं कि काफ़ी पुरानी है। और ये जो पत्थर उन्होंने यूज किया था ये बलुआ पत्थर है, जो अशोक
काल से भी फेमस है। जो अशोक चक्र है, बुद्ध के समय उन्होंने जो स्तूप बनाए थे वो भी बलुआ पत्थर से ही बनाए थे। तो चुनार आज भी अपने पत्थरों के लिए फेमस है। तो जैन, ये जो इतना बड़ा कुआं है, तो इसका मतलब राज क्या है, इसके बारे में कुछ बता सकते हो? तो आदर्श, ये जो आप देख रहे हो इतना बड़ा कुआं है, इसको वेल ऑफ लव यानी प्यार का भी कुआं कहा जाता है। और कहा जाता है कि जब विक्रमादित्य ने इस कुएं को निर्माण किया था, बनाया था, तो उन्होंने ये कुआं अपने रानी के लिए ही बनाया था। तो 56वीं सदी में बोला जाता है इस किले का निर्माण हुआ था, और उसी समय उन्होंने किला के साथ साथ इस कुएं का भी निर्माण किया था। अगर इसके आप देखिए जो चौड़ाई है वो लगभग 4.5 मीटर है, और इस कुएं की गहराई लगभग 200 फीट है। और आज के डेट में ये अंदर देखिए पानी काफ़ी गंदा हो गया, क्योंकि लोग आते हैं वो जितने बॉटल्स होते हैं वो डायरेक्ट फेंक देते हैं, जो कि बहुत बैड आइडिया होता है। अभी जो मैंने आपको कुआं दिखाया हम लोगों ने, तो ये कुआं का यही रास्ता है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसका गेट टूट गया है, अरे यार तो बड़ा मुश्किल है। तो गाइज ये है देखिए रास्ता जो कुआं में जाने वाला है, तो मैं आपको ले चलता हूँ। काफ़ी खतरनाक है वैसे, बट देखते हैं कहाँ जाते हैं हम अभी अंदर। यार डर लग रहा है यार जैन, ये रास्ता भी डरावनी है। हाँ यार डर लग रहा है, ये देखो कबूतर भी उड़ रहा है, और ऐसी मतलब आप देख रहे हैं ये कुआं पे जाने का रास्ता है, काफ़ी डरावना है। अरे अब देख ही लेते जब आए हैं तो क्या सीन है। अरे भाई अरे अबे मत जाना, इतना अंदर आ गए हैं। अबे कुआं में, अरे भाई कुआं में कूदे का भाई, डर लग रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। डरना नहीं रहा। अरे भाई अबे क्यों डरा रहा है तू मुझे? अरे भाई मैं नहीं जाऊँगा, जा। अरे कब मर जाएगा भाई, मैं तो भाग रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है। जैन कुआं तो देख लिया यार, बहुत खतरनाक था भाई, अब मत जाइयो कभी इधर, तो थका भी दिया तूने पूरा। तो अभी नेक्स्ट क्या लोकेशन है यहाँ? अभी जो हम जा रहे हैं वो जा रहे हैं राजा भृतहरि का जहाँ समाधि स्थल है, वहाँ पे जा रहे हैं। ये विक्रमादित्य के भाई थे। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं राजा भृतहरि के समाधि स्थल पे, ये वो रास्ता है। और रास्ता के साथ साथ इधर करना थोड़ा सा जैन, ये जो दिखा रहा हूँ मैं, ये रुचि, ये निशा, ये जो ये लोग आप लोग लिखते हैं आई लव यू, ये लोग पटने वाली नहीं है जल्दी, तो इसकी वजह से हमारी जो हिस्टोरिकल प्रॉपर्टी है उसको ख़राब मत करिए। तो आपसे गुजारिश है, तो ये लोग नहीं पटने वाले हैं दीवार पर लिखने से। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर। तो हमारे पीछे ये सोनवा मंडप है, और उसी के जस्ट पीछे राजा भृतहरि का समाधि स्थल है। तो हम लोग दोस्तों वहाँ पे जाएंगे और उनके समाधि स्थल को देखेंगे। ऐसा आज भी यहाँ के जो लोकल्स होते हैं उनके समाधि स्थल पे सुबह शाम पूजा अर्चना करते हैं, और वो उनको बहुत ही ज़्यादा मानते हैं। तो अब हम लोग भी चलते हैं। ये सामने आप मेरे देख रहे हैं ये सोनवा मंडप है, इसी के बाद उनका समाधि स्थल आता है। तो चलिए देखते हैं, अंदर आइए मेरे साथ। ये आप जो मंडप देख रहे हैं इसको सोनवा मंडप कहते हैं। यहाँ की राजा महादेव की एक पुत्री थी और उसको सोनवा रानी कहा जाता था। उसने 52 राजाओं को हराया था, और राजा ने उस सभी राजा महादेव ने सभी को जेल में डाल दिया। उसके बाद उन्होंने 28 खंडों का एक मंडप तैयार किया जिसको सोनवा मंडप भी कहते हैं। ये पूरा 7 मीटर चौड़ा है, पीछे आप लोग जो देख रहे हैं ये भृतहरि का समाधि स्थल है, और इसके जस्ट इस साइड आप देखिए ये जो जेल बने हैं ये पहले सैनिकों के लिए रहने के लिए बने थे, बाद में जब मुगल आए तो उन्होंने इसको कैदियों के लिए बना दिया गया था जहाँ पे कैदी भी रहते थे। और ऐसा कहा जाता है जब ब्रिटिश टाइम में जो क्रांतिकारी होते थे पुलिस उनको पकड़ती थी तो जेल में डाल देते थे। और आगे हम देखते हैं ये क्या, अंडरग्राउंड जेल बोलते हैं, इसी के अंदर से जाते थे खाना वाना दिन में। ऐसा बोला जाता था कि शेर शाह जब राजा था जिसने हुमायूं के साथ युद्ध किया था, तो उसने हुमायूं को कैद करके इसको इसी जेल के अंदर डाला था। इस जेल में आपको सिर्फ
प्रकाश जा सकता है। और ऊपर से ये देखिए, ये छोटे छोटे चीजें आप देख रहे हैं, ये प्रकाश से जाने और जो भोजन होता है उसको फेंकने के लिए ही बना था कि कैदी सिर्फ जीवित रह सके। तो हुमायूं भी इस जेल में बंद हो चुका है। तो ये हिस्टोरिकली ये प्लेस बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें बहुत सारी कहानियाँ भी छुपी हैं, बहुत सारे रहस्य हैं। इसका जो दूसरा साइड का हिस्सा आप मेरे साइड देख रहे हैं, ये हिस्सा टोटी बैंड है, यहाँ पे कोई लोकल नहीं जाता। ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे इसके चुनार के जो द्वार हैं, किले हैं, वो दूसरे सिटी से भी कनेक्टेड हैं, जैसे रायगढ़, विजयगढ़ से भी इसमें एक अंदर से गुफा की तरह रास्ता बनाया गया है जहाँ पे लोग राजा और सैनिक जा सकते हैं। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा है। ये काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो था, काफ़ी हिस्टोरिकल वीडियो था, तो अपने दोस्तों में भी शेयर करना ताकि उनको भी पता चल जाए कि जो चुनार का किला है उसके बारे में उसकी हिस्ट्री क्या है। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है क्योंकि बहुत मेहनत कर रहे हैं। चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का, और काफ़ी रिस्क लगा लेकर हम वीडियो बनाते हैं, परमिशन लेते हैं, तो आप समझ रहे हैं उस चीज़ को। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो, वीडियो पे कमेंट किया करो और प्लीज़ चैनल पे सब्सक्राइब किया करो, क्योंकि आते हैं 1000-2000 लोग देखने के लिए बट सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं, इसलिए कर दिया करो। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। इस बार नेक्स्ट हम बनाएंगे वाटरफॉल पे ही बनाएंगे, लखनिया धरी में। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव।